उस दिलेर कलेक्टर की कहानी जिसने आजम खान को बर्बाद करके जेल तक पहुंचा दिया। योगी तो सिर्फ आदेश देते हैं, ये बेखौफ अधिकारी एक्शन लेता है। आजम खान अगर इस अधिकारी से नहीं भिड़ते तो शायद आज जेल के अंदर नहीं बाहर होते। आजम खान और इस कलेक्टर की कहानी भी अजय देवगन की फिल्म सिंघम से मिलती जुलती है। आजम खान इस अधिकारी को कभी जूते साफ कराने की धमकी दी थी, लेकिन इसके एक साल के अंदर ही इस शेर दिल कलेक्टर ने आजम खान की जिंदगी को बाहर और अंदर दोनों तरफ से बर्बाद कर दिया। सिक्किम कैडर के 2005 बैच के इस आईएएस अधिकारी का नाम है अंजनेय कुमार। 16 फरवरी 2015 को केंद्र की मोदी सरकार ने यूपी भेजा था। अंजनेय कुमार जब यूपी पहुंचे तो उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आजम खान को लोग कहते थे नंबर दो के मुख्यमंत्री। आजम खान के एक इशारे पर दर्जनों अधिकारियों के तबादले हो जाते थे। ये वो दौर था जब यूपी पुलिस आजम खान की भैंसों को खोजा करती थी। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने तब ये दिलेर डीएम फतेहपुर जिले में तैनात हुआ। तब रामपुर में बड़े से बड़ा अधिकारी आजम खान के सामने चूहा बन जाता था, इसीलिए रामपुर को एक दिलेर और हिम्मत वाले अधिकारी की जरूरत थी जो आजम खान के खिलाफ झुके नहीं बल्कि झुकाने की हैसियत रखता हो। इसके बाद फरवरी 2019 में अंजनेय कुमार को रामपुर का कलेक्टर बना दिया गया। यहीं से आजम खान का बुरा वक्त शुरू हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने एक धमकी देते हुए कलेक्टर को कहा था, ये कलेक्टर फलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, अल्लाह ने चाहा तो चुनाव बाद इन्हीं से जूते साफ कराऊंगा। आजम खान ने शायद यही गलती कर दी थी। ज्यादातर अधिकारी रिश्वतखोर होते हैं, इसी का फायदा नेता उठाते हैं और फिर जूते भी साफ कराते हैं, लेकिन हर अधिकारी ऐसा नहीं होता। हर अधिकारी सोता हुआ शेर होता है, अगर अपनी पर आ जाए तो मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री किसी को भी लाइन में लगा सकता है। अंजनेय कुमार ने आजम खान के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि कई केसों की फाइलें खोल दी। फरवरी 2019 के बाद रामपुर के लोगों को जब पता चला कि कोई नया कलेक्टर आया है जो किसी से नहीं डरता सिर्फ अपनी सुनता है, तो आजम खान के खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया। एक दिन में एक साथ 27 किसानों ने कलेक्टर से मिलकर शिकायत की और कहा कि जौहर विश्वविद्यालय के लिए आजम खान ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। अंजनेय कुमार ने इसी मामले की जांच करवाई और इसके बाद FIR दर्ज कराने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही सरकारी जमीन को आजम खान के कब्जे से छीनकर मुक्त करा दिया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के पास दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट होने के मामले में पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को शराखों के पीछे भेज दिया। फिलहाल तंजीम और अब्दुल्ला जमानत लेकर जेल से बाहर हैं, लेकिन आजम खान अभी भी सीतापुर जेल में बंद हैं। जब आजम खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो रामपुर के लोगों को लगा कि कोई ईमानदार अधिकारी आया है। लगातार लोग बिना डरे शिकायत कर रहे थे और आजम खान की क्राइम फाइल पढ़ती गई और 98 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। इतना ही नहीं, अंजनेय कुमार सिंह ने आजम खान को भूमाफिया भी घोषित कर दिया। अंजनेय कुमार ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं, शायद यही वजह थी कि आजम खान जैसे बड़े नेता को बर्बाद करके जेल तक पहुंचा दिया। आजम खान को जेल पहुंचाने के बाद अंजनेय कुमार का रामपुर से ट्रांसफर हुआ तो यहां के लोगों ने बग्घी में बैठाकर फूलों की बारिश की। हमारे देश को ऐसे ही ईमानदार और बेखौफ अधिकारियों की जरूरत है। लोग कहते हैं अगर ऐसा अधिकारी हर जिले को मिल जाए तो राम राज आने से कोई नहीं रोक सकता। इस कलेक्टर ने आजम खान के खिलाफ जो किया, क्या वो सही था? क्या कहना चाहेंगे आप? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देकर हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।